डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपको लास्ट लेक्चर वीडियो प्रिपेयर करके दे रहा हूँ। ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि देखने में ये टॉपिक बहुत आपको छोटा लगेगा, मतलब सबसे लास्ट में दिया हुआ है। अभी तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ लिया, पहला जो था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें पार्ट वन पार्ट टू करके पढ़े थे। फिर हमने क्या किया था, मोनरा किंगडम में दो वीडियो लेक्चर देखा, मोनरा किंगडम पार्ट वन पार्ट टू। फिर हमने प्रोटिस्टा का देखा, फिर फंजाई में हमने दो वीडियो लेक्चर देखा लंबा लंबा। उसके बाद का जो वीडियो लेक्चर है फंजाई के बाद, उसमें एक ट्रिकी चार्ट वाला भी अलग से था। प्लांटी और एनिमेलिया का एक एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो आपको अलग से चैप्टर के रूप में ही पढ़ना है। थर्ड चैप्टर जो है वो प्लांटी किंगडम, उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। जो फोर्थ चैप्टर है वो आपका है एनिमेलिया किंगडम, उसको भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए उसको हम स्किप कर रहे हैं। और लास्ट में आपका जो हेडिंग था वो क्या था, वायरस वायरवाइड प्रियोन्स। तो वायरस पे आपको ऑलरेडी हमने दो लेक्चर दिया, वायरस पार्ट वन वायरस पार्ट टू। ओके, यानी कि वायरस पे भी हमने डिटेल में पढ़ा, दो पार्ट में वायरस पे वीडियो तैयार हो, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है प्रियोन्स वायरवाइड्स एंड लाइकेंस। आप कहिएगा कि सर लास्ट जो हेडिंग है वो तो हमारा है, किताब में लिखा हुआ है वायरस वायरवाइड्स एंड लाइकेंस, ये पुराना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2018 का जो एनसीईआरटी है जो नेट पे भी अवेलेबल है, उसमें आप देखिएगा प्रियोन्स टॉपिक को जोड़ दिया, प्रियोन्स को स्पेशली 8-10 लाइन में दिया है। मैं थोड़ा सा उसमें और डिटेल आपको बताऊंगा आज। तो एनसीईआरटी में आप देखिएगा पेज नंबर, न्यू एनसीईआरटी में 25 से लेके 27 पेज नंबर, यानी कि 25, 26, 27, इस तीन पेज में वायरस वायरवाइड्स और प्रियोन्स के बारे में खूब अच्छे से समझाया, प्लस लाइकिन के बारे में। तो हम लोग भी आज के इस लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर वीडियो में वायरस वायरवाइड्स प्रियोन्स एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। तो वायरस तो पढ़ चुके हैं, वायरस ऑलरेडी तो दो वीडियो बना चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है, किस पे, तो कहते हैं वायरवाइड्स पे और प्रियोन्स पे, ठीक है। तो जहां तक वायरवाइड्स की बात है, तो वायरवाइड्स में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन प्रियोन्स नया नया टॉपिक में जोड़ा है, ऐड किया है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है। तो हम पहले वायरवाइड्स के बारे में ही जानते हैं, ठीक है। कहता है कि टीओ डीनर्स, ठीक है, ने इसको खोजा है, टीओ डीनर्स ने इसको खोजा है। ओके, टीओ डीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है 1971 में, 1971, ठीक है, यानी कि 1971 में, 1935 में, याद कीजिएगा, वायरस में मैंने तीन घटनाएं बताई थी, 1892 में क्या बोला गया था, 1892 में बोला गया था कि पाश्चर ने उसको डिस्कवर किया था वायरस को, बाद में ये एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में ने इवानोस्की ने ही उसको खोजा भी था, इवानोस्की ने ही नाम भी दिया था, ठीक है। ये 1892 की घटना है। 1898 में हमने क्या बोला था कि 1898 में बिजेरी ने, ठीक है, इसके बारे में बोला, ठीक है, कॉन्टाजियम फ्लूडम वीवियम। और 1935 में जाके स्टैनली ने इसको क्या किया था, ठीक है, क्रिस्टलाइज किया, फिर उसने बताया कि इट इज इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, ये बताया था, ठीक है। तो एक्चुअली इवानोस्की ने जो खोजा था वो क्या था, टोबेको मोज़ेक वायरस। तो टोबेको मोज़ेक वायरस के बारे में एक चीज मुझे बताना भी था कि टोबेको मोज़ेक वायरस जो है, ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया था स्पेशल टीएमवी, उस दिन आपको नहीं बता पाए थे, टीएमवी हो या कोई भी हो वायरस, मैंने क्या बोला था कि वायरस कोई भी हो बना हुआ किसका, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, यानी न्यूक्लिक एसिड इज इनक्लोज्ड विद इन द प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी प्रोटीन हमेशा मतलब बाहरी एक मतलब आवरण के रूप में रहता है और वो न्यूक्लिक एसिड को क्लोज करके रहता है। तो टीएमवी क्या था, प्लांट वायरस था।
जितने भी प्लांट वायरस हमने आपको डिटेल में बताया सब में क्या होता है आरएनए एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो टीएमवी जो होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो बीच में होगा ही होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा बीच में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इसके बगल में, ठीक है, बगल में क्या होता है, बगल में प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का आरएनए होता है, ठीक है। तो मैं वो डायग्राम क्लियर आपको नहीं बना रहा हूं, मतलब जैसा बुक में है, ठीक है, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो टीएमवी है, कहता है ये क्या है कैप्सिड, और कैप्सिड में क्या होता है कैप्सोबियर, कैप्सोबियर। एक बार क्वेश्चन पूछा, मतलब ये 2009-10 की बात बता रहे हैं कि टीएमवी में कैप्सिड में, कैप्सिड का यूनिट क्या है कैप्सोबियर, कैप्सोबियर की संख्या कितनी होती है, और बोलिएगा 2130, 2130, ठीक है। और ये पूछने की संभावना है कि इसमें जो, ठीक है, कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, पॉलीहेड्रल, क्या बोलिएगा, पॉलीहेड्रल और हेलिकल, पॉलीहेड्रल और हेलिकल, पॉलीहेड्रल और हेलिकल, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको इवानोस्की ने रिकॉग्नाइज किया था एज ए वायरस, ठीक है, ये क्या किया था, टोबैको के ऊपर जो मोज़ेक स्पॉट था उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था, और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से पास कर जाता था, इसके थ्रू ये भी प्रूफ हो गया कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे आरएनए है, इंक्लोज्ड है, किसके अंदर इंक्लोज्ड है, प्रोटीन कोट के अंदर, कैप्सिड के अंदर, बट वायरस, वायरवाइड्स, अब वायरवाइड, वायरस के बारे में सब कुछ बता चुके हैं आप, उसका वीडियो लेक्चर फिर से देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। यानी कि हम आज के वीडियो लेक्चर में प्रियोन्स पढ़ाएंगे, वायरवाइड्स पढ़ाएंगे, लाइकेन पढ़ाएंगे, बट किसी को अगर वायरस के बारे में डिटेल पढ़ना हो विद डिजीज, ठीक है, तो आप दो वीडियो रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप दोनों को देख सकते हो, ठीक है, वायरस पार्ट वन पार्ट टू। अब देखो ये वायरवाइड्स के बारे में कहा जाता है टीओ डीनर ने इसका कोर्स किया 1971 में किया, वायरस का जितना डिस्कवरी बैकग्राउंड था सब 1935 में खत्म हो चुका था स्टेनली के द्वारा। तो 1971 में टीओ डीनर साहब ने खोजा एक और इन्फेक्टियस पार्टिकल, ये इन्फेक्टियस पार्टिकल क्या था मालूम, ये था फ्री आरएनए, फ्री आरएनए का मतलब, ठीक है, फ्री आरएनए का मतलब ये कभी नहीं होता है, ठीक है, कि आरएनए फ्री, नो, फ्री आरएनए का मतलब होता है विदाउट प्रोटीन कोट, विदाउट प्रोटीन कोट, विदाउट प्रोटीन कोट, कहता है विदाउट प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट होता ही नहीं है, यानी कि वायरवाइड्स आर ओनली मेडअप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वायरवाइड्स आर ओनली मेडअप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रियोन्स आर ओनली मेडअप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, प्रियोन्स आर ओनली मेडअप ऑफ प्रोटीन, वायरवाइड्स आर ओनली मेडअप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और वायरवाइड्स इज मेडअप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन बोथ, प्रोटीन बोथ, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों, वायरसेस न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों, प्रियोन्स ओनली प्रोटीन, ठीक है, ओनली प्रोटीन, और वायरवाइड्स ओनली न्यूक्लिक एसिड, सब में, इसमें दोनों में क्या लगेगा, ओनली लगेगा, यानी वायरवाइड्स आरएनए पार्टिकल है और विदाउट, विदाउट प्रोटीन है, विदाउट कैप्सिड है, विदाउट कैप्सोमियर है, यानी ये फ्री आरएनए है, इसको नेकेड आरएनए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेकेड आरएनए, ठीक है, नेकेड आरएनए, ठीक है, कहता है नेकेड आरएनए बोलते हैं। और ये जानिए इसको कहां पे डिस्कवर किया गया था डिनर के द्वारा, कहता है ये पोटेटो में, पोटेटो का शेप कैसा होता है आपने देखा ही है, पोटेटो जब स्पिंडल शेप हो जाए, स्पिंडल शेप हो जाए, और पोटेटो किसका मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर का, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर का एग्जांपल है, उस डिजीज को बोलते हैं पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी, पीएसटीडी, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी पोटेटो अपने नॉर्मल शेप में ना होके स्पिंडल शेप में आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पोटेटो
पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये कॉज करता है कौन? आरएनए। और ये आरएनए मतलब इन्फेक्टेड आरएनए मतलब वायरॉइड्स, यानी वायरॉइड्स इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिजीज इन पोटेटो। और वायरॉइड्स के बारे में अभी तक जो देखा गया है वो यही देखा गया है कि ज्यादातर ये प्लांट के अंदर ही कॉज करता है। क्लियर है पॉइंट? ज्यादातर ये प्लांट के अंदर ही कॉज करता है डिजीज। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, तो ये वायरॉइड्स के बारे में इतना ही आपको इंफॉर्मेशन पढ़ना है, वायरॉइड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये डायरेक्ट प्रियोन्स के बारे में, प्रियोन्स के बारे में बता दूं आपको। प्रियोन्स में एनसीईआरटी में, नए एनसीईआरटी में 4-5 लाइन दिया है, उसमें एक बड़ा बढ़िया लाइन उसमें दिया है कि प्रियोन्स कॉजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बस ये देख के छोड़ दिया एनसीईआरटी में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों दिया आपने कभी सोचा? तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा उसने नहीं दिया क्लियर, तो भले आपको नीट में ज्यादा वही लाइन ही पूछे लेकिन आपको यह जानने का हक तो थोड़ा बनता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों दिया है। तो कहता है कि प्रियोन्स नॉर्मल भी होता है, प्रियोन्स का प्रोटीन नॉर्मल होता है नॉर्मल सेल में, यानी कि प्रियोन्स को कोड करने के लिए एक जीन होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रियोन्स प्रोटीन इज ए नॉर्मल प्रोटीन, उस नॉर्मल प्रोटीन को कोड करने के लिए एक जीन होता है जो 20th क्रोमोसोम पे होता है, 20वां क्रोमोसोम पे होता है। इस पे होता है, देखिए 20th क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पीआरईसी, पीआरईसी प्रोटीन। ठीक है, प्रियोन्स, डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था, बीच में आपको ब्रेक हो गया एक मिनट, देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रियोन्स है, ठीक है, ये प्रियोन्स के बारे में भी मतलब हमने क्या बोला कि नया एनसीईआरटी में इसको स्पेशल एक पैराग्राफ जोड़ा गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 2020 के 26 जुलाई वाला एग्जाम में भी, और 2021 यानी कंटिन्यू रहेगा इसमें क्वेश्चन, क्योंकि नया टॉपिक जोड़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हालांकि मैं आपको पहले वीडियो में याद दिलाया, मैं ये हमेशा बताते आ रहा हूं ये टॉपिक के बारे में। ठीक है, यानी कि वायरस, वायरॉइड, प्रियोन्स, ये तीनों आता है प्रोटोबायोटा में। ये मैंने कब से स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, प्लस वन में भी बताया होगा, जिसने प्लस वन पढ़ाया तो उसमें भी बताया था कि जब लिविंग सिस्टम को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्रोटोबायोटा और एक साइटोबायोटा, तो प्रोटोबायोटा में वो आता है जिसमें विदाउट डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होता है। विदाउट डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर कौन होता है? ठीक है, तो वायरस, वायरॉइड, प्रियोन्स, वायरस पर ही, वायरॉइड्स पर ही हम लोग प्रियोन्स कर रहे हैं। तो प्रियोन्स के बारे में एनसीईआरटी एक लाइन दिया हुआ है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को कॉज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है इसके बारे में आप जान लेंगे कि उसका रीजन है, उसका रीजन बहुत बड़ा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो प्रोटीन है पीआरईसी, ये एक नॉर्मल प्रियोन्स कोडिंग जीन है जो नर्व सेल, न्यूरोन सेल के सरफेस पे पाया जाता है। क्लियर है, यह एक फोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, यह एक मतलब ग्लोबुलर फोल्डेड प्रोटीन है। कहता है ये एक नॉर्मल प्रोटीन है, ये नॉर्मल प्रोटीन अगर रहेगा न्यूरॉन की सेल के सरफेस पे तो सिनेप्टिक मैकेनिज्म बहुत अच्छे से होगा, यानी सिनेप्स के ऊपर, ठीक है, जो क्रॉस होती है नर्व इंपल्स का न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, ठीक है, एंटी रिसेप्टर के द्वारा, यानी कि सिनेप्टिक मैकेनिज्म जो होता है नर्व इंपल्स कंडक्शन का, वो बहुत तरीके से चलेगा। बट ये प्रोटीन को कोड करने वाले जीन में अगर किसी तरह का गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, वो जीन डिफेक्टिव हो जाए, वो जीन होता क्या है, पीआरपीसी जीन इज चेंज इनटू पीआरटीएससी, इस जीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एस फॉर, ठीक है, ये एस्क्रेपी, एस फॉर एस्क्रेपी, इसलिए बोला जाता है कि इससे एस्क्रेपी डिजीज कॉज हुआ था सबसे पहले सीप में और गोट में, एस एच डब्ल्यू पी एंड गोट। ठीक है,
इन दोनों में स्क्रेपी डिजीज कॉज हुआ था, ठीक है, और ये स्क्रेपी पे बहुत सारा रिसर्च किया गया, ठीक है, जिसके कारण जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज मिला। और ये स्क्रेपी जो है, स्क्रेपी से ही यहां पे एस आया, यानी स्क्रेपी साइज, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल सेल के सरफेस पे जो प्रोटीन था पीआरपीसी, वो स्क्रेपी हो गया, वो डीनेचर्ड हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, ठीक है, मिसफोल्डेड वर्जन हो गया, ठीक है, यानी कि उसकी जो फोल्डिंग थी वो गड़बड़ हो गया। उस गड़बड़ी के कारण क्या होता है, ठीक है, उस गड़बड़ी के कारण जो प्रोटीएज एंजाइम काम करता है या जो भी मतलब उससे कोई अगला मेटाबॉलिक प्रोसेस होने वाला होता है वो नहीं होता, और इसलिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होता है। एनसीईआरटी में जो पहला लाइन है उसका मतलब आप समझ गए, यानी कि प्रियोन कोडिंग, जो मीनिंगफुल प्रियोन्स होते हैं वो हर न्यूरॉन के सरफेस पे होते हैं, ठीक है, उनको कोड करने वाले जीन का नाम है पीआरपीसी, उसमें म्यूटेशन होता है, उसमें, ठीक है, गड़बड़ी होती है, उसमें एबनॉर्मिटी आती है, जिसके कारण पीआरपीएससी प्रोटीन में बदल गया, और पीआरपीएससी प्रोटीन में बदल गया। अब क्या हुआ कि जो फोल्डेड प्रोटीन था वो मिसफोल्डेड हो गया, ठीक है, यानी कि वो गड़बड़ी हो गया। तो बताइए सिनेप्स पे क्या काम अब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सिनेप्स पे जो मैग्रीन था नर्व इंपल्स का वो नहीं हो पाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये प्रियोन्स, पहले तो यहां पे ट्रिपल पी याद रखिएगा, पी पी पी, ठीक है, पी फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, पी फॉर प्रियोन्स और पी फॉर बताइए प्रोजीनर, टू प्रोजनर, इसने प्रोजनर ने इसको डिस्कवर किया। ये एक इनफेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल है, ठीक है, ये इनफेक्टियस क्या है, प्रोटीन पार्टिकल, यानी प्रियोन्स इज इनफेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड बाय रिपोर्टेड बाय प्रोजनियर इन 1996। क्लियर है, ये सबसे पहले प्रोजनियर ने ये कैसे पता लगाया, कहता है कि दो डिजीज उसके सामने आया था, एक आया था मेड काउ डिजीज और एक आया था, एक कौन सा था, एक था मेड काउ डिजीज और दूसरा आप बताइए, ठीक है, एल्जाइमर्स डिजीज, कौन सा डिजीज, एल्जाइमर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, रोल ऑफ प्रियोन्स इन एल्जाइमर्स डिजीज एंड मेड काउ डिजीज, ए फॉर एल्जाइमर्स, ठीक है, एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है, ये एल्जाइमर्स डिजीज क्यों होती है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी के कारण होती है। अब आपको अपने आप रिश्ता पता चल जाएगा, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ी कारण, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटाइल कोलीन, ठीक है, यानी एसिटाइल कोलीन के इंटरफेरेंस के कारण ये होता है एल्जाइमर्स डिजीज, एसिटाइल कोलीन, ठीक है, ये जो एसिटाइल कोलीन होता है, ए फॉर एसिटाइल कोलीन और ए फॉर एल्जाइमर्स, तो एसिटाइल कोलीन के गड़बड़ी कारण एल्जाइमर्स होता है। अब पता चला कि एसिटाइल कोलीन क्यों गड़बड़ हुआ, एसिटाइल कोलीन का एक्शन क्यों नॉर्मल नहीं है, पता चला उसका रीजन है प्रियोन्स, और मैंने बताया था ना कि प्रियोन्स जो कोडेड होता है, ये प्रियोन्स कोडिंग जो प्रोटीन होता है नॉर्मल प्रोटीन, वो न्यूरॉन सेल के सरफेस पे होता है, खास करके सिनेप्स के, ठीक है, इंटरक्रॉसिंग नर्व इंपल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, नए एनसीईआरटी में जो 2018 में आया, नेट पे देख लीजिएगा, बट उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है, तो प्रिजनियर को दो, एक मेड काउ डिजीज, मेड काउ डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोवीन एस्पोंजी फॉर्म इनसेफेलाइटिस, बोवीन एस्पोंजी फॉर्म इनसेफेलाइटिस, बोवीन, ठीक है, एस्पोंजी फॉर्म इनसेफेलाइटिस, इनसेफेलोपैथी, इनसेफेलोपैथी, पैथी, ठीक है, बीएसई, ठीक है, मेड काउ डिजीज का दूसरा नाम है, मेड काउ डिजीज का ही दूसरा नाम है क्या, ठीक है,
मैड काउ डिजीज का ही नाम है। ये सबसे पहले इसका रिपोर्ट हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, और इंग्लैंड में जब ये रिपोर्ट हुआ गाय में, इसलिए इसको कहते हैं मैड काउ डिजीज, ठीक है। और कहता है कि उस गाय के मांस को जिसने भी खाया, जिस ह्यूमन ने, उस ह्यूमन में जो डिजीज हुआ, ठीक है, उस मेड काउ डिजीज से सफरिंग काउ के मांस को खाने वाले, यानी बीफ को खाने वाले जितने भी पर्सन थे इंग्लैंड में, उनको जो डिजीज हुई थी उसको हम लोग बोलते हैं सीआर जैकॉब सिंड्रोम। सीआर इज स्टैंड्स फॉर क्रिट्सफेल्ड, क्रिट्सफेल्ड ये साइंटिस्ट का नाम है, क्रिट्सफेल्ड, ठीक है। तो कहता है कि क्रिट्सफेल्ड जैकॉब साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, क्रिट्सफेल्ड जो है, कहता है कि जैकॉब्स सिंड्रोम, साइंटिस्ट का नाम है जैकॉब्स, ठीक है। तो कहता है कि ये जैकॉब सिंड्रोम इज द अनदर नेम ऑफ मेड काउ डिजीज, ह्यूमन वर्जन ऑफ मेड काउ डिजीज, यानी ह्यूमन वर्जन ऑफ बीएसई इज नोन एज सीआर जैकॉब सिंड्रोम, यानी बीएसई को ही, बोवीन स्पॉन्जी फॉर्म इनसेफेलोपैथी को ही ह्यूमन में सीआर जैकॉब सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, ये कहता है कि ये पूरा जो कि ये क्या बोलते हैं, ये जो प्रियोन्स का जो अगला जो डिजीज है वो है कुरु डिजीज। कुरु डिजीज कहता है, इसको बोलते हैं लाफिंग डेथ। क्या बोलते हैं? लाफिंग डेथ, इसको बोलते हैं लाफिंग डेथ, ठीक है। और ये तो पहले बता दिए, ये जो डिस्कवरी के टाइम में बताए थे, एस्क्रेपी इन सीप एंड बोट, एस्क्रेपी यानी कि वो जो प्रोटीन है, जो सेलुलर प्रोटीन है, प्रियोन्स कोडिंग प्रोटीन जो है, वो क्या हो जाता है? एस्क्रेपी हो जाता है, यानी बेकार मिसफोल्डेड प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं स्क्रैपी प्रोटीन, ठीक है, तुम्हें इसलिए उसके नाम पर गए स्क्रैपी इन सीप एंड गोट, कुरु डिजीज, लाफिंग डेथ, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? सीआर जैकॉब सिंड्रोम इन ह्यूमन, ठीक है, और बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म इनसेफेलोपैथी इन कैटल्स, ये किसमें? कैटल्स, ठीक है, कैटल्स में ये, ठीक है, इसी का नाम है क्या? मेड काउ डिजीज। क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट है किसके बारे में? ये पॉइंट है आपको प्रियोन्स के बारे में, कोई दिक्कत? ठीक है, यानी प्रियोन्स के बारे में इतना पॉइंट याद रखिएगा। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी अल्जाइमर्स डिजीज के सफरिंग पर्सन में देखा गया तो पता चला कि कॉजल ऑर्गेनिज्म ही प्रियोन्स था, और ये प्रियोन्स उसमें कहां से आया? बीफ के खाने से, इसलिए बीफ के खाने पे बैन लगा दी गई है, और अभी भी बीफ के खाने पे बहुत जगह बैन लगा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? देखिए, किसी चीज को आप खुद अगर कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो नेचर कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि मांस बहुत लोग खाते हैं, कि मांस में प्रोटीन है, ठीक है, बट क्या खाना है नहीं खाना ये आपकी आजादी है, बट कितना खाना है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कहां से क्या खाना चाहिए, ये सब भी सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। आपने नेचर को कंट्रोल नहीं किया, जितनी नदियां थे उसमें आपने गंदे नाले गिराने बंद नहीं किए, गंदे नाले के पानी, नेचर देखिए खुद लॉकडाउन कर दिया, नदियां शुद्ध हो गई, हवाएं शुद्ध हो गई, आप पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर रहे थे, नेचर ने कर दिया, नेचर ने ऐसे कोरोना वायरस को आपके यहां भेजा, पूरे वर्ल्ड को हाहाकार मचा दिया, आदमी ऐसे खड़ा है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये होता है नेचर कंट्रोल, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ये जो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन है, इन दोनों को नेचर ही कंट्रोल कर रहा और कर रहा है धीरे धीरे, चाहे जिस रूप में आए महामारी पेंडेमिक, वो अपने आप कंट्रोल हो। अब देखिए, ये पूरा का पूरा क्या था? ये था प्रियोन्स के बारे में। प्रियोन्स के बारे में इतनी सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। प्रियोन्स प्रोटीन पार्टिकल है, प्रियोन्स रुजनर ने खोजा, रुजनर ने किस डिजीज सफरिंग में खोजा, क्या बोलिएगा? अल्जाइमर्स डिजीज से सफरिंग किए हुए पर्सन में, उसके बाद मेड काउ डिजीज वाले, ठीक है, कैटल्स में, दोनों में देखा तो कॉजल ऑर्गेनिज्म यही था। क्लियर है पॉइंट? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ना तो डीएनए है ना तो आरएनए है, ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड होता ही नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल, सारा बताया कि ये प्रोटीन इसमें बदल जाता है। क्लियर है पॉइंट? 20वां क्रोमोसोम पे इसके जीन होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी।
ठीक है, आपको भारवाड़ स्कोर पहले बता दिए, अब यानी कि अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, लाइकेंस के बारे में। अब हम लोग लाइकेंस के बारे में पूरी बातें जानेंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं, ठीक है देखिए, लाइकेन जो ही हम टर्म नाम लेते हैं तो ही हमें एक टर्म याद आती है, लाइकेन जो ही हम लोग बोलते हैं तो एक टर्म याद आती है, ठीक है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस तीन तरीके का हमने आपको बताया था, ठीक है, एक मुचुलिज्म, ठीक है, दूसरा हमने जो बताया था वो बताया था प्रोटो कॉपरेशन, प्रोटो कॉपरेशन, और तीसरा बताया था कोमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म, ठीक है, ये तीन चीजें हमने बताई, म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन, कोमेंसलिज्म। इसमें होता क्या है, सपोज हमने एक पार्टनर लिया ए, दूसरा लिया बी, ठीक है, इसमें भी दोनों पार्टनर को एक दूसरे से फायदा होता है, इसमें भी दोनों पार्टनर को एक दूसरे से फायदा होता है, और इसमें एक पार्टनर को फायदा होता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है, समझ गए, यानी म्यूचुअलिज्म, बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू इच अदर, इसमें भी बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू इच अदर, इसमें वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, अनदर इज अनअफेक्टेड। कहिएगा सर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू इच अदर बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इच अदर एसोसिएशन, इसमें ऑब्लिगेट सिम्बायसिस, इसको हम लोग ऑब्लिगेट सिम्बायसिस भी बोलते हैं, ऑब्लिगेट सिम्बायसिस, ठीक है, 100%, ठीक है, और इसको ये क्या है, फैकल्टेटिव, मौका मिलने पे, फैकल्टेटिव, मौका मिलने पे ये है टिव, ठीक, ठीक है, सिम्बायसिस, यानी कि ये मौका भी लेते हैं, यानी कि इसमें दोनों पार्टनर अगर अलग भी हो जाएगा तब भी सर्वाइव करेगा, इसमें दोनों पार्टनर अलग हो जाएगा दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, दोनों मिलके जो कोऑर्डिनेटेड चीज बना रहा था उसका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो इसी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है क्या, ठीक है, लाइक इसी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल था क्या, माइकोरिजा, माइकोरिजा, ठीक है, इसी का था, ठीक है। तो बताइए इसी का एग्जाम्पल लाइक है, इसी का एग्जाम्पल माइकोरिजा, माइकोरिजा मैंने एक आपको ट्रिक बताया था याद होगा, ठीक है, एम एम पी पी पा एम से, ठीक है, माइकोरिजा, ठीक है, एम से म्यूचुअलिज्म, ठीक है, पी से पाइनस, और पी से, ठीक है, पी से पाइनस, और पी से फॉस्फेट मेटाबोलिज्म, फॉस्फेट मेटाबोलिज्म, ठीक है, क्लियर, यानी कि एम एम पी पी, ठीक है, माइकोरिजा इज ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन इन विच, ठीक है, इन विच टू पार्टनर्स, वन इज फंगस, अनदर इज रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट से टर्म आया रिजा, और फंगस से टर्म आया माइको, क्या बन गया, माइकोरिजा, जिसमें, ठीक है,
फंगस उसको मेटाबॉलिज्म, किस चीज को मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है? कहता है फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को पूरा करने में मदद करता है, ठीक है, कौन? और वो फंगस, और उसके बदले उसको क्या देता है, ठीक है, शेल्टर देता है, भोजन देता है, क्लियर है? कौन? रूट ऑफ आयरन, खास करके पाइनस का प्लांट। तो पाइनस का जो प्लांट है, यानी पाइनस का जो प्लांट है उसके उसको रूट देता है, ये उसको फॉस्फेट देता है, फॉस्फेट फॉस्फेट की आपूर्ति करता है, कौन? फंजाई। उसके बदले वो उसको जगह देता है रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, मल्टीप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो माइकोरिजा भी मुचुलिज्म और लाइकेन भी मुचुलिज्म। लाइकेन बताइए, लाइकेन क्या हो गया? मुचुलिस्टिक रिलेशन हो गया, मुचुलिज्म हो गया। बट ये कैसा मुचुलिज्म है ना, जिसे मान लीजिए वाइफ हस्बैंड है, ठीक है, या कोई कपल में दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर को 50-50% हर चीज में चाहिए कोऑर्डिनेट करने का। खाना बन रहा है तो एक पार्टनर अपना, ठीक है, रोटी बना ले, एक पार्टनर सब्जी बना ले, दोनों मिलके बनाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई औरत है सारा कुछ तुम ही करो, नो, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर काम में, औरत मर्द का, ठीक है, ये रूल होना चाहिए। बट देखते हैं हमारा आपका समाज क्या, उसमें मेल थोड़ा डोमिनेंट रहता है। टीवी देखते रहे, हाँ जी खाना बन गया जी, दो ये करो वो करो, सारा कुछ होता है। तो उसी तरह से एल्गी और फंजाई, ये किसके बीच म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, एक है एल्गी और एक है क्या, फंजाई, ठीक है। यानी कि लाइकेन जो सिम्बायसिस है, ठीक है, लाइकेन जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, लाइकेन जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, ये किसके किसके बीच है? एल्गी और फंजाई के बीच, ठीक है। तो कहते हैं एल्गी फंजाई के बीच का रिलेशन है, दोनों बोथ आर बेनिफिटेड टू इच अदर, ठीक है, बोथ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इच अदर, बट एल्गी थोड़ा डोमिनेंट पार्टनर की तरह काम करता है, ये डोमिनेंट की तरह काम करता है और ये थोड़ा सा रिसेसिव हो जाता है, ठीक है। ऐसा अगर कोई रिलेशन हो, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टनर को इक्वली बेनिफिटेड हो बट एक ज्यादा डोमिनेंट रहता हो, नेचर शो करता हो, और दूसरे को थोड़ा सा कम करके उसको महसूस करवाता हो, इसको बोलते हैं हेलोटिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे? हेलोटिज्म, हेलोटिज्म, क्लियर है? यानी एक मास्टर की तरह रहे और दूसरे को दासी की तरह रखे, यानी एक मालिक की तरह रहे और दूसरे को, ठीक है, दासी की तरह रखे, ठीक है। तो बताइए ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। जबकि है क्या, एल्गी उसको क्या देता है? एल्गी उसको खाना देता है, ये उसको क्या देता है? मिनरल देता है, ये उसको मिनरल देता है, ठीक है। और चूंकि एल्गी फंजाई, अच्छा एल्गी है फंजाई है, यानी कि एल्गल पार्टनर, लाइकेन के अंदर जो एल्गल पार्टनर होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, ठीक है। और इसके अंदर जो वो पार्टनर होगा फंगल पार्टनर उसको क्या बोलेंगे? माइकोबायोंट, बोलेंगे माइकोबायोंट, ठीक है। एक को बोलते हैं फाइकोबायोंट, एक को बोलते हैं माइकोबायोंट, ठीक है। फाइकोबायोंट का मतलब, ठीक है, फंगल, ये सॉरी एल्गल पार्टनर, क्योंकि एल्गी के स्टडी को आप बोलते हो फाइकोलॉजी, फाइकोसाइनिन पिगमेंट के कारण, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट के कारण। थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एल्गी का क्लासिफिकेशन, सारा पिगमेंट पढ़ेंगे। एल्गी को क्लासिफाई ही किया गया है पिगमेंट के आधार पर, यह बात याद रखना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्लियर है पॉइंट? तो कहता है फाइकोबायोंट माइकोबायोंट। ये फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट जो है, यानी कि माइकोबायोंट स्टडी ऑफ फंगस, फाइकोबायोंट ये माइकोबायोंट स्टडी ऑफ फंगस, फाइकोबायोंट स्टडी ऑफ एल्गी। तो एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोंट, उसके फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट, ठीक है। ये उसको भोजन देगा, वो उसको मिनरल देगा, ठीक है, वो उसको वाटर देगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये दोनों में रिलेशन है, दोनों एक दूसरे बिना सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए लाइकेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स प्लांट। क्या बोलते हैं? मिक्स प्लांट। इसको बोलते हैं कंपोजिट प्लांट, कंपोजिट प्लांट, ठीक है। अब लाइकेन के बारे में दूसरा चीज आ रही है, कहता है ये लाइकेन जो है कहीं भी आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में कि कहीं पे बेयर लैंड है, कहीं पे नेकेड एरिया है, कहीं पे न्यूड एरिया है, जहां पे कुछ भी कोई प्लांट एनिमल का वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, ना फ्लोरा ना फौना, कुछ भी नहीं है वहां, सबसे पहले अगर कोई ग्रो करेगा तो वो लाइकेन,
उसके बाद ब्रायोफाइट्स, कभी कभी लाइकेन के साथ ब्रायोफाइट। इसलिए लाइकेन को हम लोग लाइकेन को बोलते हैं पायोनियर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? पायोनियर ऑफ द प्लांट किंगडम, पायोनियर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, यानी कि प्लांट किंगडम, ये सॉरी पायोनियर ऑफ द प्लांट किंगडम तो बोलते हैं दूसरा, ठीक है, इसको पायोनियर ऑफ एनी सक्सेशन, सक्सेशन, ठीक है, क्लियर, पायोनियर स्टेज ऑफ एनी सक्सेशन, पायोनियर स्टेज ऑफ एनी सक्सेशन। पायोनियर स्टेज मतलब सबसे पहले ग्रो करने वाला। सक्सेशन का मतलब कि कोई न्यू एरिया, कोई नेकेड एरिया, कोई बेयर लैंड है, वहां पे फुल फ्लेज कम्युनिटी का धीरे धीरे डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ फुल कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेजिटेशन ऑन द बेयर लैंड, ऑन द नेकेड एरिया, ऑन द न्यू एरिया ऑफ एनी ज्योग्राफिकल पार्ट इज नोन एज सक्सेशन। और उस सक्सेशन में सबसे पहले ग्रो कौन करेगा? सबसे पहले अगर कोई ग्रो करेगा वो है लाइकेन। क्लियर है? फिर लाइकेन वहीं पे ग्रो करेगा जहां पे, ठीक है, जहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा। यानी लाइकेन जहां पे होगा वहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा, जहां पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहते हैं जो लाइकेन है, लाइकेन किस तरह के पॉल्यूशन पे ज्यादा मतलब फोकस करता है, सेंसिटिव होता है? ठीक है, तो कहता है सल्फर पॉल्यूशन। किसपे? सल्फर पॉल्यूशन। ठीक है, यानी सल्फर पॉल्यूशन यानी कि जहां पे सल्फर होगा, सल्फर की मात्रा एसपीएम ज्यादा होगी, ये पार्टिकुलेट, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम जिसको बोलते हैं। आप जब आज तक वगैरह ये सब न्यूज अब सुनेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको बताते रहेगा कि हाँ इसकी एसपीएम इतनी है, इसकी एसपीएम इतनी है। जहां भी इन्वायरमेंट में सल्फर होगा, ठीक है, वहां पे, ठीक है, वहां पे जहां भी इन्वायरमेंट में सल्फर होगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि लाइकेन का एक एसेक्सुअल स्पोर होता है सोरीडिया। क्या नाम है? सोरीडिया। उसका नाम है सोरीडिया। ये सोरीडिया सर्वाइव नहीं करता है। तो ऐसे सोरीडिया, ऐसे सल्फर, ऐसे सोरीडिया और ऐसे सल्फर, यानी सोरीडिया विच इज एसेक्सुअल स्पोर ऑफ, सोरीडिया विच इज एसेक्सुअल स्पोर ऑफ, क्या बोलेंगे, लाइकेन is very very sensitive to sulfur pollution। यानी कि ये indicate करता है, ठीक है, अगर lichen कहीं grow कर गया इसका मतलब वो pollution नहीं है, वहां sulfur pollution है ही नहीं। और lichen जहां grow नहीं करता है इसका मतलब वहां पे sulfur pollution है। clear है point? ठीक है, वहां पे sulfur pollution है। clear? ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए, यानी कि lichen को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। क्लियर हो गया पॉइंट? यानी कि लाइकेन को बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। उसमें भी अगर क्वेश्चन आ जाए पार्टिकुलर, सल्फर पॉल्यूशन, नाइट्रोजन पॉल्यूशन, ठीक है, बोथ नन, तो हम लोग सल्फर पॉल्यूशन लगाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? यानी ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दिस इज पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। क्लियर है? अब कहता है लाइकेन से एक बात और याद आई, लाइकेन को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, लाइकेन को ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं लाइकेन को? तो कहता है इसको बोलते हैं इससे लिटमस तैयार होता है। क्या तैयार होता है? लिटमस। ठीक है, आप जानते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का यूज लैब में किया जाता है एसिड बेस सॉल्ट एनालिसिस में। ठीक है, तो लिटमस भी तैयार होता है। और कुछ ऐसे लाइकेन हैं जिससे एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कुछ लाइकेन इडिबल भी होते हैं, जैसे उस्निया वगैरह, ये इडिबल लाइकेन भी होते हैं। यानी लाइकेन के कुछ स्पेसीज एडिबल भी होते हैं, कुछ लाइकेन से एंटीबायोटिक भी बनता है।
लाइकेन के दो स्पोर्स होते हैं, एक का नाम क्या है सोरिडिया और एक का नाम है आइसीडिया। आइसीडिया ठीक है, कहीं कहीं आपको एसीडिया भी लिखा रहेगा ठीक है, बट आइसीडिया पढ़िएगा ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका है लाइकेन के बारे में, यानी कि लाइकेन को हम लोग म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिस्टिक रिलेट एसोसिएशन बोलेंगे, लाइकेन को हम लोग ठीक है कंपोजिट प्लांट बोलेंगे, लाइकेन को हम लोग मिक्स प्लांट बोलेंगे, लाइकेन हेलोटिज्म शो करेगा, एल्गी के द्वारा हेलोटिज्म शो होगा, लाइकेन एल्गी और फंजाई का ठीक है दोनों का एसोसिएशन है, एल्गी को हम लोग क्या बोलेंगे ये फाइकोबायोंट, यानी एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोंट उसको क्या बोलेंगे माइकोबायोंट, बोलिए क्लियर है। इसी को बोलेंगे पायनियर ऑफ द प्लांट किंगडम क्योंकि सबसे पहले ये ग्रो करेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे पॉल्यूशन इंडिकेटेड प्लांट, इससे लिटमस तैयार होगा ठीक है, ये सारी पॉइंट हम लोग बोलेंगे। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि म्यूचुअलिज्म में दो पार्टनर होंगे, एक ए और एक बी, दो पार्टनर होंगे ठीक है, फिर इसको ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस बोलते हैं, और दूसरे को प्रोटो कॉपरेशन को फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस, इसमें भी बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, ये तीनों मिला के बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्लियर हो गया पॉइंट, तीनों मिला के क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस, यहां तक क्लियर हो गया ठीक है। चलिए माइकोरिजा क्या है मैंने आपको बता ही दिया ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका ठीक है ये लाइकेन के बारे में पूरा पूरा बात होता है। अब देखिए एक चीज मैं मिसिंग किया था, अलग वो एनसीईआरटी नहीं है, मैं उसको अलग से बता रहा हूं इसलिए कि वहां से क्वेश्चन आए। जैसे अभी मैंने लाइकेन का दो एसेक्सुअल स्पोर बताया, कौन कौन, एक आपको बताया ठीक है एसीडियो एसीडिया, यानी कि मतलब एसीडिया बताया या एसीडिया बताया, एसीडिया या एसीडिया दोनों लिखा होगा, और एक बताया आपका सोरिडिया जो कि सल्फर सेंसिटिव प्लांट था, ये स्पोर था ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो डेथ कर जाता है सल्फर में ठीक है। तो एक बात बता दूं वो रह गया था, वो मैं बता दूं पक्सीनिया, पक्सीनिया जिसके बारे में हमने क्या बोला था, क्या कॉज करता है पक्सीनिया, पक्सीनिया कॉज करता है ठीक है रस्ट डिजीज, रस्ट डिजीज ठीक है, और मैंने बोला था पुस्टिलेगो कॉज करता है क्या, पुस्टिलेगो कॉज करता है स्मट डिजीज ठीक है, ये स्मट डिजीज कॉज करता है, ये क्या करता है ठीक है पक्सीनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है ठीक है, तो पक्सीनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है, वो स्मट डिजीज कॉज करता है ठीक है। तो कहता है कि ये पक्सीनिया के पांच स्पोर्स होते हैं ठीक है, एक होता है पिकनियो स्पोर, पिकनियो स्पोर, एक होता है यूरेडो स्पोर, यूरेडोस्पोर, एक होता है ठीक है उसको आवाज आ रही है, अच्छा रहने दो क्या बोलूं उसको, टिक्नियोस्पोर यूरेडोस्पोर टेल्यूरोस्पोर ठीक है टेल्यूरोस्पोर, उसके बाद एसीडियोस्पोर, एसीडियोस्पोर और बेसीडियोस्पोर, बेसीडियोस्पोर। देखिए ये दोनों पाया जाता है व्हीट पे, ये बारबेरी के प्लांट में, ये भी बारबेरी के प्लांट में ठीक है, ये बारबेरी के प्लांट पे, ये भी बारबेरी के प्लांट, ये दोनों बारबेरी बारबेरी के प्लांट में, ये व्हीट पे ठीक है ठीक है, ये पाया जाता है सॉइल पे ठीक है। तो कोई पूछेगा कि पेंटामॉर्फिक स्पोर कहां पे पाया जाता है, तो आप कहिएगा पक्सीनिया, और ये दोनों किसका मेंबर था पक्सीनिया और एस्टेलेगो बेसिडियो माइसिटीज का, तो बेसी ये फंजाई में एक टॉपिक छूटा हुआ था लेकिन ये एनसीईआरटी में ही, मैं अलग से बता रहा हूं। तो पक्सीनिया रस्ट डिजीज वो वहां भी बताया था और एस्टेलेगो स्मट डिजीज, लेकिन पक्सीनिया में क्या पाया जाता है पेंटामॉर्फिक लार्वा, पी से पक्सीनिया, पी सॉरी पेंटामॉर्फिक लार्वा में पेंटामॉर्फिक स्पोर, पेंटामॉर्फिक स्पोर, और ये पेंटामॉर्फिक स्पोर जो होता है उसमें से, यानी कि पक्सीनिया का लाइफ साइकिल दो प्लांट पे होता है, एक प्लांट कौन सा है
एक प्लांट है बारबेरी, दूसरा प्लांट है व्हीट। व्हीट के प्लांट पे दो स्पोर, यूरिडोस्पोर टेनिडोस्पोर, ये याद रखना। और इसको कैसे याद रखना, देखिए व्हीट में क्या है, लास्ट में क्या है, टी, टी फॉर टेनिडोस्पोर, ठीक है। व्हीट, व्हीट बोलने में व्हीट, यू याद रखिएगा, यू से यूरिडोस्पोर टेनिडोस्पोर, दोनों व्हीट पे, ये बारबेरी पे, ये बारबेरी पे, और ये अपने आप डेसिडियोस्पोर कहां पे, स्वाइप, ये दिमाग रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फंजाई में आपको डिजीज वाला जो भी टॉपिक है, जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, वो क्या होगा, अल्टरनेरिया सॉली, ठीक है, अल्टरनेरिया सॉली, वो बंद है, अल्टरनेरिया सॉली। उसके बाद फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंट्स, ये फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंट क्या होगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, ठीक है, अल्टरनेरिया सॉली के द्वारा, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंट्स के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटिस का एक मेंबर था, याद होगा आप लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया है, तो उसमें एक मेंबर था कॉलिकोट्राइकम, वो क्या करता है, रेड रोट ऑफ सुगर कैन, ठीक है, तो रेड रोट ऑफ सुगर कैन, ठीक है, वो अलग चीज है। एक है रेड रस्ट ऑफ टी, वो आपको एलगी में बताएंगे। तो ये टॉपिक एक मिसिंग था, ठीक है, उस वीडियो में, तो मैंने इसमें आपको एड कर दिया, जिससे कि अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए, ये पहले एम्स में क्वेश्चन आता था, ये जिपमर में आता था, नीट में सिलेबस में नहीं है, बट हो सकता है पूछ दे, क्योंकि आपका एम्स इस बार कंबाइंड, इसलिए मैं सोचा कि इसको आपको बता दूं, इसको भी इसी में नोट कर लेना है। थैंक यू सो मच, ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज पूरा हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका एनिमेलिया किंगडम शुरू नहीं कर रहे हैं, प्लांटी नहीं शुरू कर रहे हैं, वो आपका हिस्टोलॉजी शुरू कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी फिनिश कर देंगे, फिर उसके बाद आएंगे आपको, ठीक है, तीसरा चैप्टर, यानी कि जो थर्ड चैप्टर रो में है, यानी प्लांटी में, फिर एनिमेलिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।